दोस्तों आज हम करेंगे गुणा, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई और बहुत ही सरल और आसानी से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये दो दिया है तो पहले हम दो का पारा पढ़ेंगे इन अंकों में। तो चलिए हम पहले दो का पारा तीन में पढ़ते हैं। दो एकम दो, दो दुना चार, दो तीय छः, छः हुए तो छः दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम दो का पारा दो में पढ़ेंगे तो चलिए हम पढ़ते हैं। दो एकम दो, दो दुना चार, तो चार हुए दोस्तों, चार हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम दो का पारा चार में पढ़ेंगे तो चलिए हम दो का पारा चार में पढ़ते हैं। दो एकम दो, दो दुना चार, दो तीय छः, दो चौक आठ, आठ हुए तो आठ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों हमारा एक अंक खत्म हो गया तो हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब हम तीन का पारा पढ़ेंगे इन अंकों में। तो चलिए हम तीन का पारा पहले तीन में पढ़ेंगे। तीन कम तीन, तीन दुनी छः, तीन त्रिके नौ, नौ हुए तो नौ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब तीन का पारा हम दो में पढ़ेंगे तो चलिए हम पढ़ते हैं। तीन गम तीन, तीन दुनी छः, छः हुए तो छः हम यहाँ पे लिख देंगे। अब तीन का पारा हम चार में पढ़ेंगे तो चलिए हम पढ़ते हैं। तीन गम तीन, तीन दुनी छः, तीन त्रिक नौ, तिचौक बारह, बारह हुए तो बारह हम यहाँ पे लिख देंगे। लाइन खींचेंगे, अब हम इनको जोड़ेंगे तो चलिए हम जोड़ते हैं। ये छः है, छः के नीचे जीरो है तो दोस्तों जीरो ना जुड़ती है ना घटती है तो छः की हम छः यहाँ पर लिख देंगे। ये चार दिया है तो चार लाइन हम खींच लेते हैं। एक दो तीन चार, चार के नीचे नौ दिया है तो नौ लाइन और खींच लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इन लाइनों को हम गिन लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह हुए दोस्तों, तेरह को हम ऐसे लिखते हैं। इधर का अंक है इसे हम यहाँ पे लिख देंगे, वही हमारी हासिल है तो इसे हम रख लेंगे। ये आठ दिया है तो आठ लाइन खींच लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ के नीचे छः दिया है तो छः लाइन और खींच लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ, इन लाइनों को हम गिन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह दोस्तों एक हासिल कितने हुए, पंद्रह, पंद्रह को हम ऐसे लिखते हैं। इधर का अंक है इसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारी हासिल है तो इसे हम रख लेंगे। ये दो है, दो और एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, तीन, तो तीन हम यहाँ पे लिख देंगे। एक है, एक यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमें दो का पारा इन अंकों में पढ़ना है तो चलिए हम दो का पारा तीन में पढ़ेंगे। दो एकम दो, दो दुना चार, दो तीय छः, छः हुए तो छः हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दो का पारा हमें एक में पढ़ना है तो दो एकम दो, दो हुए तो दो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दो का पारा हमें तीन में पढ़ना है तो चलिए हम तीन में पढ़ते हैं। दो एकम दो, दो दुना चार, दो तीय छः, छः हुए तो छः हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा एक अंक खत्म हो गया, ये अंक हमारा खत्म हो गया तो हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब हम तीन का पारा पढ़ेंगे इन अंकों में तो चलिए हम तीन का पारा पहले तीन में पढ़ते हैं। तीन कम तीन, तीन दुनी छः, तीन त्रिके नौ, नौ हुए तो नौ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब तीन का पारा हमें एक में पढ़ना है, चलिए हम पढ़ते हैं। तीन कम तीन, अब तीन का पारा हमें तीन में पढ़ना है तो चलिए हम पढ़ते हैं। तीन कम तीन, तीन दुनी छः, तीन त्रिके नौ, नौ हुए तो नौ हम यहाँ पे लिख देंगे। लाइन खींचेंगे, हमें अब इनको जोड़ना है तो चलिए हम जोड़ते हैं। छः में दोस्तों जीरो जोड़ेंगे तो जीरो दोस्तों ना जुड़ती है ना घटती है तो हम छः यहाँ पे लिख देंगे।
ये 9 दिया है, तो 9 में हम 2 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 को हम ऐसे लिखते हैं, इतर अंक ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसे ये हमारी हासिल है तो इसे हम रख लेंगे। ये 6 दिया है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 के बाद 7 आता है, 7 8 9 और एक हासिल कितनी हुई, 10। तो 10 को दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं, इधर का अंक ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये वाला अंक है ये हमारी हासिल है तो इसे हम रख लेंगे। 9 में दोस्तों तो हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 को हम ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।